टीवी देखने में बिजी हो गई, एक काम करती हूँ दिवाली के लिए साड़ी निकाल देती हूँ, क्या पहनू समझ ही नहीं आता। क्या पहनू ये वाली साड़ी नहीं, ये नहीं, ये नहीं। अरे यार होली पे अलमारी खोलो तो सारे कपड़े नए लगते हैं और दिवाली पे अलमारी खोलो तो सारे कपड़े पुराने लगते हैं। मैं तो ये नहीं पहनूंगी, मेरे को तो कुछ नया चाहिए। मैं जाती हूँ बोलकर आती हूँ कि दिवाली पे मेरे को कुछ नया कपड़ा दे। अरे ध्वनि बेटा, ज्यादा पटाखे चलाने से ना पोल्यूशन हो जाता है बहुत ज्यादा, तो इस वजह से ना हम इस बार पटाखे नहीं चलाएंगे। पापा ये सारे तो सिर्फ आपकी पहल है, आप तो सिर्फ कंजूसी हो। मुझे रॉकेट चलाने पर रॉकेट। अरे रॉकेट तो बिल्कुल नहीं, पता है उसमें कितना ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है। क्यों रॉकेट क्यों नहीं रॉकेट? बचपन मेरा जब मैं धोनी की उम्र का था, मेरे साथ एक हादसा हो गया था, मतलब इतनी बड़ी घटना हो गई थी मेरे साथ। रॉकेट के साथ ही ऊपर उड़ गए थे क्या? अरे नहीं तो, मैंने ना एक रॉकेट छोड़ा और वो सीधा जाके ना सूरज से टकरा गया। फिर क्या हुआ? फिर मेरी खूब पिटाई हुई। किससे हो गई? अरे और किसने, मेरे दोस्त सूरज की मम्मी ने। कभी नहीं सुधरोगे आप। मैं तो सुधर जाऊंगा, पहले तुम ये बताओ मेरी शैतान जैसी जिनी बेटी कहाँ पे आज? आपको पता है सुबह से ना जिनी बदले की आग में पटाखे चलाने गई हुई है। क्यों, क्या हो गया उसे? पापा आपको पता नहीं, आज सुबह सुबह दीदी दूध का पैकेट लेने गई और फिर सामने वाली जो तन्नु दीदी है ना, उन्हें दिखी और तन्नु दीदी ने जिनी दीदी ऊपर पंख फोड़ दिया। अच्छा, ये तो बढ़िया काम हो गया। चोट वोट तो नहीं लगी ना उसके? नहीं। अरे ये सब छोड़ो, जिस काम के लिए मैं बाहर आई थी, आपकी ये सारी बकवासबाजियों के चक्कर में मैं अपना काम ही भूल गई। हाँ काम से याद आया, मुझे भी तो ऑफिस आना है। चुप रहो अभी, जरा मेरी सुन लो, पहले ऑफिस जाते रहे ना बाद में। तुम्हारी तो मैं दिन भर सुनता हूँ, तुम्हारी तो मैं दिन भर सुनता हूँ। अरे दिवाली सिर पर आ गई है, शॉपिंग कब कराओगे कपड़ों की? दिवाली है सर पे। हाँ दिवाली सर पे है, हम पटाखे तो बाल है। एक काम करते हैं, जिन्नी से बोले कि बदले की आग में यहाँ रख देगी। अरे ये सब छोड़ो, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। मेरे को साड़ी खिलाने चल रहे हो या नहीं? चलो साड़ी लेने चलते हैं, वहीं पे चाट पकौड़ी खाते हैं। चलो चलो। देख लो इस वाली हीरोइन से ज्यादा बढ़िया तुम्हें साड़ी दे दी भाई। ये बात तो है, वो ऐसी साड़ी आई है। आज अच्छे से पीछे बैठूंगी उसके, जान ले लूंगी उसकी। समझती क्या है वो अपने आप को? जिनी दीदी कैसा बम है आपके हाथ में? ये बाउंसिंग बॉम है, बाउंसिंग बॉम। अरे बड़ा जी बॉम है ये तो। हाँ ये बॉम बिना जलाए फटता है, जैसी तन्नो देखेगी ना मैं उसके पर फेंक दूंगी। बस इसीलिए लाई हूँ ये बॉम, ताकि बॉम जलाने तक वो कहीं भाग न जाए। हे भगवान, इतना खतरनाक बॉम! जी ऐसा बिल्कुल मत करो, कहीं उसको दिवाली वाले दिन चोट ना लग जाए। प्लीज ऐसा बिल्कुल मत करो। इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है, स्टेट गवर्नमेंट ने लगाया बाउंसिंग बॉम पे लगा, बाउंसिंग बॉम हुआ बैन, दिवाली में खतरनाक साबित हो सकता है ये बॉम। इंडिया वालों सावधान हो जाओ, अगर किसी ने भी ये बम चलाया तो पुलिस उसे छोड़ेगी नहीं। सावधान रहे, सतर्क रहे। मम्मी ये क्या हो गया मेरे साथ ही, क्यों होता है ऐसा? अरे दीदी क्या फूल मार्केट में आपको सिर्फ यही दिखा? पापा मैं क्या करूँ, इसको फेंक भी नहीं सकती, फट जाएगा ये। तो मैं क्या करूँ उसमें? आप काम करो। अरे नहीं पागल है क्या? ये लड़की मरवाएगी मुझे। हे भगवान,
मुझे जिनी और उसके पटाखे से बॉम्ब से दूर रखो। हे भगवान, मुझे मेरी जान की भीख दे दो भगवान। हे भगवान, आपसे तो मैंने जान की भीख मांगी थी, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी, अब क्या करूं? मुझे क्या करना, भागो। ये लो तुम मेरा शा। ये बम अचानक से हिलने के लगा है। लगता है बम फटने वाला है। बाबा बम को कहीं फेंक दो ना। अरे तू ने फेंक दिया तो और जल्दी फट जाएगा, लेकिन करें क्या? और फिर पुलिस पकड़ लेगी। पकड़ लेगी। अरे मैं नहीं दूंगा बम। अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं, अरे क्या करिए? मेरा दिमाग है ना उसमें। मेरा दिमाग है उसमें। मेरा दिमाग है उसमें। दिमाग है। कोई दिमाग नहीं, मेरा दिमाग है। ये भी ठीक है। अबे कहाँ है, नीचे चले। हाँ। अरे मम्मी पापा, आज तो बच गए, नहीं तो सन्नू के बॉम्ब के चक्कर में जेल जाते हम सब। बिल्कुल। अरे लेकिन तुम लोगों ने मायूसी जैसा चेहरा क्यों बना रखा है? अरे दिवाली है, दियों का इंतजाम करो, पूरे घर को ना दुल्हन की तरह सजा दो, दुल्हन की तरह। सही कह रहे हो, और वैसे भी 3 दिन से ना व्हाट्सएप पे इतने दिए आ रहे हैं कि दियों की वजह से चार्जिंग पॉइंट का तेल निकल गया है। तो चलो एक काम करते हैं, जल्दी से घर को डेकोरेट करते हैं और ये सब भूल जाते हैं, और आगे से बाउंसिंग पंप वगैरह मत लेकर आना। तो हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। रेस्क्यू सिस्टर की पूरी टीम की तरफ से आपको हैप्पी दिवाली। बहुत पसंद आई होगी तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।